हाय गाइस, तो सबसे पहले सॉरी यार, काफी दिनों बाद एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन वीडियो इतनी धमाकेदार है कि आपको मजा आ जाएगा। तो अक्सर हम सोचते हैं यार, जब हम मूवीज देखते हैं या कोई शोज देखते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं क्या घर बनाया सेलिब्रिटी का, क्या सुंदर सा डिजाइन है, हमारा घर कैसा बन सकता है। नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है भाई, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन सही डिजाइनर और सही यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा, तभी मिलेगा। अभी हम जितने भी एड्स में या मूवीज में सेलिब्रिटीज के घर देखते हैं, आपने इनमें एक चीज कॉमन देखी होगी, आपने देखा कि हर सेलिब्रिटी के घर में, अब वो चाहे कोई भी हो, इनके घर में, सबके घर में वॉल ट्रिम्स का सेक्शन जरूर डाला गया है। वॉल ट्रिम्स भाई बहुत सुंदर लगती है देखने में, रिच लुक देखती है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। अब वॉल ट्रिम्स की मेन डिटेलिंग वीडियो कि कितना रेट होता है, क्या काम होता है, कैसे लगाया जाता है, किस बेस पे है, मटेरियल कौन सा लगना चाहिए, वो मैंने अपनी मेन एक डिटेल वीडियो में डाला हुआ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दिया, वहां से आप जाके डिटेल में देख सकते हो, वो सीख सकते हो वहां से कि कैसे करना है। मैं आपको सिर्फ मेजर पॉइंट्स बताने वाला हूं, किन चीजों आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप ये सेम चीज अचीव कर पाओगे, और दो बोनस गिफ्ट्स आपके लिए रेडी है, वीडियो के एंड में बता दूंगा, आपको सुनते ही मजा आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था ना, इंडिया में हर घर सुंदर दिखेगा और यही मेरा ड्रीम और विजन है, और वो होगा और वो शुरू हो चुका है। तो आने वाले दिनों में ये ऐसे ऐसे नए नए ऑफर्स आने वाले हैं। वॉल ट्रिम्स में चार टाइप्स हम प्ले कर सकते हैं, एक कंटेम्प्रेरी, एक लग्जरी, एक रॉयल प्लस लग्जरी, मतलब कि एंटिक वाली अगर फील चाहिए हमें वो, और चौथा जो पॉइंट है कि सिंपल, सोबर एंड मिनिमल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉयल की। अभी आप देख रहे हो रॉयल प्लस लग्जरी, मतलब एंटीक वाले फील में कैसे आ गया, कि जो भी वॉल ट्रिम्स है उसके अंदर हमें नकाशी को ऐड कर देना है टॉप और बॉटम में। नकाशी ये देख रहे हो, ये बहुत सुंदर लगता है, कार्विंग बोलते हैं इसको। और सबसे बड़ी चीज है, 100 रुपए का एक पीस आता है, बना बनाया मार्केट में मिलता है, MDF में कहीं भी चले जाओ मार्केट में, जहां MDF का काम होता है वहां पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और मैं लास्ट क्लास उस बंदे का भी नंबर डाल दूंगा जिसने हाल फिलहाल मुझसे YouTube के थ्रू कनेक्ट किया है, जिसने भाई ये सारे डिजाइन करे हैं और स्पेशली वॉल ट्रिम का स्पेशलिस्ट है, तो वो मैं डाल दूंगा, आप चाहो तो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब आपको अगर कंटेम्प्रेरी स्टाइल चाहिए, तो कंटेम्प्रेरी में आपको क्या करना है कि सारे जो एंगल्स हैं, मतलब कि अगर कोई ऐसे फ्रेम बन रहा है तो सारे एंगल्स 90 डिग्री पे होने चाहिए, कहीं भी कर्व नहीं होना चाहिए, इससे आपका जो सारा कंटेम्प्रेरी लुक आएगा। साथ के साथ आप इस पे जिस वॉल पे वॉल ट्रिम है खाली, उसको आप कुछ और कलर दे सकते हो, जैसे कि पेस्टल कलर्स हो गए, ग्रीन कलर हो गया, आपका ग्रे कलर हो गया, इस टाइप के कलर भी आप दे सकते हो। और ये जो ट्री आप देख रहे हो यहां पे जो रखा हुआ है, इस टाइप का जो कि पीच कलर है, ये भी आप दे सकते हो। तो होना क्या है इसमें, आपको सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री के एंगल को मेंटेन करना है, दैट्स इट। और ये पूरे घर में भी हो सकता है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो ऑफर मैंने अनाउंस किया उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है भाई, अब इसका थर्ड जो है वो मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट क्या करना है, आपको वॉल ट्रिम का कलर भी सेम रखना है, वॉल का भी सेम रखना है, इसमें आपको पूरे घर को व्हाइट थीम पे चलाना है। अगेन व्हाइट थीम इंटीरियर पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो चेक कर सकते हो कि पूरे घर में व्हाइट पेंट के साथ कैसे मजा आता है और कैसे प्ले करना है, ये मैंने वहां पे सारा डिटेल में आपको बताया हुआ है। जिनके घरों के साइज थोड़े छोटे हैं वो उसको जरूर देखना। अब कुछ इनके ट्रिक्स एंड हैक्स बता देता हूं जिनका बहुत ध्यान रखना है, कि अगर आपने यहां पे गलती कर दी तो ये वॉल ट्रिम जितनी देखने में सुंदर लग रही है, बाद में उतना ही खराब भी हो सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मटेरियल की। इसमें आपको मटेरियल में आप POP में बनवा सकते हो, MDF में बनवा सकते हो, SDHM मार्ग बन सकते हो, और सॉलिड वुड में बनवा सकते हो। सबसे ज्यादा जो मेंटेनेंस फ्री है वो वुड में होता है, मतलब कि अगर मैं देखूं कि सबसे ज्यादा जो जीतेगा इनमें हर केस में वो होती है वुड, और सबसे बड़ी चीज सबसे कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, और लुक जो है वो सेम इस फोटो जैसा मिल जाएगा। तो अगर मैं आपकी जगह होता, मैं तो भैया वुड में प्ले करता, बस पेंटर को मैं अच्छा पकड़ता, लेकिन स्टिल अब इसमें और अलग अलग जो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। और एक यूरो प्रतीक करके कंपनी है जिनके ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन भी हैं, और वो सब बना बनाया आता है, लाना है, लाके चिपका देना है, दैट्स इट। अब अक्सर लोगों का सवाल होता है कि यार ये क्या पुराने घर में लगाया जा सकता है जिसमें सिर्फ पेंट हो, हमारा घर तो बनके रेडी है या सेमी फर्निश्ड है, हमने जो बिल्डर फ्लोर लिया है या अपार्टमेंट लिया सेमी फर्निश्ड हमें मिला, बिल्कुल लगा सकते हो, इसमें कोई अलग से कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ आप अगर यूरो प्रतीक का पेंटेड ऑलरेडी लाके इसको चिपका सकते हो। दूसरा, आपका आपका नया घर है, रॉफ
प्लास्टर हो रखा है, उसके बाद आपको एक कोट पुट्टी कराना है, उसके बाद वॉल ट्रिम लगाना है और उसके बाद इसके सारी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली पेंट के ऊपर भी लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट ट्रिक का जो ध्यान रखना है, पहले फोटो देखो। हाँ, इसमें क्या करना है, इसमें जो गलती होती है, वॉल ट्रिम जब लकड़ी की हम फिक्स कर देते हैं ना, तो दीवार से और वॉल ट्रिम के जो गैप है उसमें कई बार क्या होता है, क्रैक आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चीज स्किल का ध्यान रखना है, आपको पेंट लेना है, चौक मिट्टी लेना है, उन दोनों को मिक्स करना है और उन एजेस को पहले फिल कराना है पेंट करने से पहले, वो भी दो बार। एक बार पहले फिल करा दिया, सूखने दिया, अगले दिन फिर फिल करा दिया, उसके बाद आप पेंट कराओ, कोई क्रैक नहीं आएगा और ये कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो कील फिक्स करते हैं वो अक्सर लोग मोटी कील लगा देते हैं, आपको मोची कील लगानी है। मोची कील का मतलब, इसको और भी नाम होता है लेकिन मैं इससे बताऊंगा तो आप इजीली समझ जाओगे। मोची कील मतलब कि जो शूज में लगती है ना, बहुत पतली कील होती है, दिखाई नहीं देती। और जब भी वॉल ट्रिम में फिक्स करो तो सरफेस से बिल्कुल अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं निकली होनी चाहिए। अगर किसी चीज में कील थोड़ी सी बाहर निकली रह गई, ऐसा पिन रह गया, तो होगा क्या, वो बाहर देखने में कील दिखाई देगी और बहुत भद्दा दिखाई देगा। तो आपको मोची कील लगानी है। दूसरा, ये कील 1 से 1.5 फुट के डिस्टेंस पे लगनी चाहिए। एक यहां पे है तो दूसरी 1.5 फुट पे, फिर 1.5 फुट पे, ऐसे करके। अक्सर क्या होता है, लोग सिर्फ 2 ही कील ठोक देते हैं तो बीच में से कई बार वॉल ट्रिम्स फूल जाती है, दीवार से पकड़ छोड़ देती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, पहले कील मारनी है और उसके बाद आपको वो चौक मिट्टी, जो मैंने फिलर बताया था ना, पेंट और चौक मिट्टी का कोट बना के करना है। उसके बाद इस पे सैंडिंग पेपर से सैंड कराना है, अगर हम लकड़ी में करा रहे हैं, सारे काम मैं लकड़ी के बता रहा हूं। तो सैंडिंग पेपर आपको 100 नंबर, 120 नंबर और 220 नंबर, ये तीनों टाइप के सैंड पेपर यूज होने चाहिए। फर्स्ट 100 पे किया, फिर 120 पे किया, फिर 220 पे, फिनिश जो आएगी ना भाई, जो यूरोपति का ना, बहुत महंगा है। क्यों, अगर मैं रेट बताऊं तो पीओपी वाली 40 रुपए/फुट पड़ेगी, एमडीएफ वाली 60, यूरोपति वाली 100-120 पड़ जाएगी, एसडीएचएमआर वाली 80-90 रुपए पड़ जाएगी, लेकिन लकड़ी वाली आपकी 40 रुपए/50 रुपए में काम हो जाता है और देखने में मजा आ जाता है। इसके अंदर ये सिर्फ बिडिंग की और जो लेबर होगी उसको टोकने की, उसी की कॉस्ट है, पेंट की नहीं है। तो इसमें आपको ये पूरा मजा आ जाएगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि यार मनीष, वॉल ट्रिम तो आपने बता दिया, लेकिन क्या ये कहाँ कहाँ करें, ड्रॉइंग रूम करें, बेडरूम में करें, किचन में करूं या स्टेयरकेस पे करूं, कहां करूं? तो सबसे पहले फोटोज देखो। आप ये बेडरूम में कर सकते हो, बेड की बेडहेड वॉल पे, बेड में ही टीवी यूनिट पे भी ये कर सकते हो, ड्राइंग रूम में कर सकते हो, ड्राइंग रूम के हर वॉल पे कर सकते हो, सीलिंग पे कर सकते हो, स्टेयरकेस में कर सकते हो, आप आपका जो पोर्च एरिया उसमें कर सकते हो, ड्राइववे में कर सकते हो। मतलब वॉल ट्रिम एक ऐसी चीज है, ये इटली का फ्रेंच स्टाइल है, जो पूरे घर में किया जा सकता है और ये कहीं से ओवर नहीं होता है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि पूरे घर में वॉल ट्रिम कर दिया, बहुत सुंदर लगता है, फोटोज आपने देख ली ना साथ के साथ। लेकिन एक छोटा सा इशू है, वो होता है स्केलिंग। अब वो स्केलिंग के लिए आपको डिजाइनर के पास जाना पड़ेगा, वो चाहे हम हो या कोई और भी हो। उसमें करना क्या होता है कि अब वो स्केलिंग का मतलब हो गया कि अगर कोई 10 फीट/10 फीट की वॉल है तो उसमें जो वॉल ट्रिम बनेगी वो 6 फीट/6 फीट का बॉक्स बनाए, या 4 फीट/4 फीट का बनाए, या 6 फुट/2 फुट का बनाए। तो ये एक डिजाइनर बखूबी समझ सकता है और इसी के लिए वो पैकेज जो मैं लेके आ रहा हूँ बोनस, वो ये है कि 2BHK का फ्लैट प्राइस 25,000 है, जिसमें देखो यार मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। कई बार अक्सर लोगों को मैं रेट ऑनलाइन नहीं बताता हूँ क्योंकि वो बाद में फिर मैनिपुलेट कर देते हैं चीज़ों, क्योंकि मनीष जी ने ऐसा बोला था। 25,000 2BHK आप पूरा घर वॉल ट्रिम्स में सेट कर सकते हो और 25,000 के अंदर। यार पूरे इंटीरियर डिजाइन की फीस बहुत महंगी होती है, सिर्फ आपको फोटो भेजनी अपने घर की, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जिनका घर सेमी फर्निश्ड है, सब कुछ हो रखा है, सिर्फ वॉल्स पे कुछ नहीं है, वॉल्स खाली है। आपको सारे घर की वॉल्स की फोटो भेजनी और हमारा डिजाइनर यहीं से आपको सेट करके दे देगा सारी चीजें। आपको सिर्फ कारपेंटर को पकड़ना है, ड्रॉइंग फोटो में देख रहे हो, यस, इस टाइप की ड्रॉइंग्स आपको मिल जाएगी और आपको सीधा बुलाना है कारपेंटर को, ठुकवाना है, काम खत्म और पेंट करा के आपका घर भी दिखेगा सेलिब्रिटी की तरह। और भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बस आप लोगों का घर सुंदर बनना चाहिए, दैट्स द मेन विजन। तो सीलिंग में भी एड ऑन कर सकते हो, लेकिन अगेन वो हम ही करें या डिजाइनर करे, आपका आर्किटेक्ट करे तो ज्यादा बेटर है, आप मत करना, नहीं तो कहीं ना कहीं आप ऐसा पंगा डाल दोगे कि जो अच्छा लगना था वो बुरा लगेगा। अब वॉल ट्रिम्स में सिर्फ ये स्क्वायर बॉक्सेस नहीं है, बहुत सारे डिजाइन बन सकते हैं। ये डिजाइन देख रहे हो आप, रैंडम बॉक्सेस, ज़िगज़ैग, टेपर्ड, जेड शेप, बहुत सारे डिजाइन है। तो अगर घर को सुंदर बनाना है तो वॉल ट्रिम्स इज द बेस्ट पार्ट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वॉल ट्रिम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी डाल सकते हो, फोटो फ्रेम डाल दिया या वॉलपेपर डाल दिया या अंदर कोई अलग टाइप का कलर कर दिया, स्टूडियोज में डाल सकते हो, कैफेज में डाल सकते हो। दिस इज द बेस्ट परफेक्ट एंड सीमलेस डिजाइन इन द होल वर्ल्ड, जिसमें पैसा कम लगता है, हर रिच सेलिब्रिटी के घर में होता ही होता है, इवेंचुअली मेरे घर में भी है। और ये मेरे ऑफिस की वॉल आपने देखी होगी, ये फिर से दिखा देता हूँ, अक्सर वीडियो में आपने देखा होगा बैक वॉल पे रैंडम प्ले कर सकते हो, ये सिर्फ क्रिएटिविटी पे आप कितना प्ले कर सकते हो, नहीं तो आप हमसे कॉल कर ही सकते हो, हम आपको बता ही देंगे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लेकिन
जो सेकंड बोनस था कि दिवाली को मैंने बोला था ना सबको कि दिवाली से पहले अगर आपने हमारी वीडियो देख के कोई डिजाइन किया हमें फोटोज भेजो, तो रैंडम डिजाइन आए। टोटल जो हमारे पास है वो 428 लोगों ने हमें फोटोज भेजी है और भाई बहुत सुंदर डिजाइन है, तो उसमें से एक बंदा हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप उनमें से कोई भी हो सकते हैं, तो रेडी रहना, इंस्टाग्राम पे अनाउंस करेंगे नेक्स्ट संडे। तो अगर वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और प्रमोट कर देना। और भैया ये पेड़ जो है बहुत सुंदर है, छोटी छोटी चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगती है जो पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। इस पेड़ का जो मेन टारगेट है वो ये है कि पॉजिटिव वाइब्स देना, और इससे फर्क भी पड़ा मेरे को क्योंकि काम का लोड ज्यादा हो गया था, टीम भी हो गई थी कि यार कैसा बॉस है, कितना काम करवाता है। तो जब से लाया तो मेरे उसमें तो चेंजेस आए हैं। किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाऊं। तो आप चाहो तो ये खरीद सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां जाके खरीद सकते हो। तो गाइस लाइक करना वीडियो को, और इंस्टाग्राम पे ऐसे मटेरियल्स की हम लिस्ट लेके आ रहे हैं उसको जरूर फॉलो करना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है आर्चेस के ऊपर। अगर आपके घर में पुरानी आर्च है तो उसको तुड़वाना नहीं है, क्योंकि आर्च का ट्रेंड वापस आ चुका है। आर्च को नहीं तुड़वाना, और पुराने डोर्स की वीडियो डाली हुई है वो देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, goodbye.